Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up for all the candidates who are going to give the examination for the post of credit officer in Bank of India. जो Bank of India का जो examination होने वाला credit officer का, तो आपको पता होना चाहिए ये examination आपको 21 अगस्त को होने वाला है. ओके, सो बात किया जाए अभी से तो आपके पास समय बहुत ही कम है, पर जितना भी समय है वो काफी है. ओके, समय बहुत कम है पर जितना समय बचा है वो काफी है. ओके, सो ऑलमोस्ट 25 डेज इन योर हैंड. सो ऑलमोस्ट 25 डेज बच रहा है. सो आप इस समय को बेटर यूटिलाइज कैसे कर सकते हो. ओके, सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो. सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. ओके, कैसे आप अपना प्रिपरेशन कितना अच्छा कितना बेहतर बना सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज का बात किया जाए यहाँ पे तो काफी अच्छा वैकेंसीज है. और यहाँ पे अगर आप थोड़ा भी प्रिपरेशन कर लेते हो ना तो रिक्रूटमेंट होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है. ओके, तो इतना अच्छा वैकेंसी मतलब इतना नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम ही देखने को मिलता है. तो बेटर है कि आप प्रिपरेशन अच्छा से करो और इसका एग्जामिनेशन आपको 21 अगस्त को होने वाला है. ओके, सो प्रिपेयर वेरी वेल फॉर दिस एग्जामिनेशन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा. सो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पे वहां से आपको मेरे क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहता है. ओके, चलिए आज हम डिस्कस करने वाले कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर. क्रेडिट ऑफिसर के लिए आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो. ओके, सो बात किया जाए अभी भी तो आपके पास 25 डेज है, तो 25 डेज में क्या पढ़ना चाहिए. तो देखो, जैसा कि बात किया जाए प्रोफेशनल नॉलेज, देखिए मैं प्रोफेशनल नॉलेज की बात करूंगा और जो अदर टॉपिक्स है जैसे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश वो आप खुद देख लो. ठीक है, पर हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेशनल नॉलेज से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कैसे प्रिपरेशन करना है. ओके, अगर क्रेडिट ऑफिसर पोस्ट का बात किया जाए तो देखिए कोई भी बैंक का आप एग्जाम दे रहे हो फॉर द पोस्ट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर, आप देखोगे कि जो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो ज्यादातर फाइनेंस से रिलेटेड पूछा जाता है, ज्यादातर फाइनेंस से रिलेटेड. तो फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपको ज्यादातर पूछा जाता है तो आपको सबसे ज्यादा क्या कवर अप करना है, जैसे उसमें हो गया रेशियो एनालिसिस, बहुत ही ज्यादा रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन पूछा जाता है, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बर्स्टिंग, लिवरेज, उसमें आपको फिर फंड फ्लो, उसमें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो ये सब कैश फ्लो ये सब जो है ना मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, और फिर फाइनेंशियल डेरिवेटिव से रिलेटेड, जिसमें उसमें फ्यूचर्स ऑप्शन जो होते हैं. सो ये सब डेरिवेटिव से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है. ज्यादातर सबसे पहले आपको प्रायोरिटी क्या देना है कि आपको ये सब कवर अप करना है, उसके बाद कहाँ पे आइए वो मैं बताता हूँ. उसके पहले मैं थोड़ा और बता देता हूँ. देखिए मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यू लाया है, वो एमसीक्यू प्रिपरेशन उस एमसीक्यू से आप बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो. वो एमसीक्यू मात्र आपको 500 रुपीस में मिल रहा है, वो एमसीक्यू आपको मात्र 500 रुपीस में मिल रहा है. सो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, अगर आप ये एमसीक्यू परचेस कर लेते हो तो आपका जो प्रिपरेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर काफी बेहतर आपका प्रिपरेशन हो सकता है, अगर आप प्रिपरेशन काफी अच्छी तरीके से करते हो और हर एक एमसीक्यू को अच्छा से पढ़ते हो तो. ओके, तो एमसीक्यू आपको मात्र 500 में मिल रहा है. एक कंपनी बैंक ऑफ इंडिया का आपका जो वैकेंसी आया था, जो भी लोग फॉर्म भरे थे, आप लोग सभी लोगों का एग्जामिनेशन क्रेडिट ऑफिसर का 21 अगस्त को होने वाला है. तो हम लोग आप लोगों को जो प्रोवाइड करने वाले हैं वो सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, जैसे कि आपको जो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है जैसे प्रोफेशनल नॉलेज में जो 100 मार्क्स का पूछा जाएगा उसमें जितना भी सब्जेक्ट उसके अंदर पूछा जाता है. सो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दैट एमसीक्यू. ओके, 2000 से प्लस एमसीक्यू रहेगा और वन लाइनर क्वेश्चंस का बात किया जाए तो अभी आपको 200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस रहेगा. ठीक है, कवरेज क्या है, कवरेज वही प्रीवियस जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है और जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन या फिर पीएसयू या फिर जो भी बैंकिंग में जो ग्रेड ऑफिसर एग्जामिनेशन हुआ है तो वही सब कवरेज है, उसी को एनालाइज करके ये एमसीक्यू बनाया गया है. लेक्चर ऐसा कुछ नहीं, बस आपको एमसीक्यू मिलेगा, वो एमसीक्यू आप प्रिपरेशन कर सकते हो, वो एमसीक्यू से आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हो. इस तरह से वो एमसीक्यू बनाया गया है कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, आप इजीली समझ सकते हो और आप काफी अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो. जहां पे भी रिक्वायर्ड था कि एक्सप्लेनेशन देना चाहिए वहां पे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ. जैसे देखिए रेशो एनालिसिस का बहुत सारा सम्स था तो उसमें जैसे जो इजी बना था तो उसका मैं डायरेक्ट आंसर दिया, पर जहां पे मुझे लगा कि इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए तो आप एक्सप्लेनेशन भी दिया. जैसे कैपिटल बस्टिंग में भी वैसा ही, जहां पे लगा कि इजिली समझ में आ सकता है तो इजी तो, और जहां पे लगा कि एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन. जैसे क्वेश्चन का बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें जैसे लगा कि एक्सप्लेनेशन देना चाहिए तो आप एक्सप्लेनेशन. सो वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड कि वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. ओके, बट जहां पे लगता है कि डायरेक्ट एमसीक्यू डायरेक्ट आंसर से कम चल सकता है तो वहां पे डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है. ओके, ये आपका इंग्लिश में होने वाला है. ओके, जो एमसीक्यू है वो इंग्लिश में रहेगा. डाउट सॉल्विंग, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मेल ऑन हिमांशु रंजन क्लासेस @gmail.com पे, और आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9631474430
3147443 रुपए, ओके आपका स्क्रीन पर दिख रहा है ओके। और ये आपको एमसीक्यू मात्र 500 में मिल रहा है। ओके टर्म एंड कंडीशन टू परचेस द परचेस द क्वेश्चन है, मतलब एमसीक्यू कैसे परचेस कर सकते हो, जब आप 500 पेमेंट करोगे ना तो 500 पेमेंट करना उस समय स्क्रीनशॉट ले लेना, आप वो स्क्रीनशॉट हिमांशु रंजन क्लासेस @gmail.com पे भेज देना और व्हाट्सएप नंबर है दिया हुआ 9631474430 रुपए भेज देना ठीक है। उसके बाद आपको कन्फर्मेशन मैसेज मिल जाएगा हम लोग की तरफ से कि हम लोग के पास पेमेंट रिसीव हो गया। उसके बाद आपको हम लोग आपको जो एमसीक्यू है वो आपको मेल पे हम लोग भेज देंगे ओके। चलिए पेमेंट कैसे करना है आपको, आप पेमेंट कर सकते हो यूपीआईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। यूपीआईडी ने दिया हुआ d.k.r629 पर @dbs, और भी ऑप्शन है आपके पेमेंट करने का, वो आप पेटीएम फोन पे गूगल पे के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। उसका भी नंबर दिया हुआ है 6291125182 ओके। सो इस नंबर पे आप पेटीएम फोन पे गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, यूपीआईडी भी दिया हुआ है, यूपीआईडी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, आपको जैसे भी इच्छा है वैसे पेमेंट कर सकते हो, आपको जो भी इजी बोर्ड लगता है आप जैसे भी यूज करते हो आप पेमेंट कर सकते हो ओके। और एमसीक्यू आपको मात्र 500 में मिलने वाला है ठीक है, नॉट नो अमाउंट रिफंडेड। जैसे कि इसमें आपको 2000 से प्लस एमसीक्यू मिलेगा और उसमें एवरीथिंग भी कवर्ड, जितना भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा करेंट ऑफिसर पोस्ट के लिए, तो एवरी टाइप ऑफ एमसीक्यू आर कवर्ड इन दैट एमसीक्यू ओके। एवरी टाइप्स जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फाइनेंस से रिलेटेड, एवरीथिंग आर कवर्ड इन दैट एमसीक्यू। जैसे कि फाइनेंस से रिलेटेड सिर्फ वो फाइनेंस ही, वही नहीं सिर्फ कि कैपिटल इन्वेस्टिंग आर रेशियो एनालिसिस एंड लीवरेज एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड कैश फ्लो एंड पेट फ्लो। सो आई विल टेल कि और क्या क्या पूछा जाता है, इनकम टैक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकम टैक्स से भी जो बेसिक्स होता है क्वेश्चन वही पूछा जाता है, जीएसटी से भी बेसिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है। सो आप देखते हो बहुत सारे टीचर्स आपको जीएसटी इनकम टैक्स नहीं पढ़ाता, बट जीएसटी इनकम टैक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपका लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे लॉ में आपका इंपॉर्टेंट होता है जैसे उसमें कोई सरफ्राइसी आईबीसी कोड, मैंने आपको आपके लिए कुछ वीडियोस मैं यूट्यूब पे भी डाला हूं आपको प्रिपरेशन करने के लिए सरफ्राइसी एक्ट आईबीसी कोड, अगर आप नहीं देखो तो वो वीडियो आप देख सकते हो, काफी अच्छा एनालिसिस करके मैं पढ़ाया हूँ, वो वीडियो आप देखना आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि इंपॉर्टेंट क्या है लॉ में, जैसे कि सरफ्राइसी एक्ट हो गया, आईबीसी कोड हो गया आपका, और जैसे कि जो भी ये कंपनी लॉ से रिलेटेड जैसे डायरेक्टर का जो पोर्शन है, ऑडिट कमेटी है, सो ये सब जो पोर्शंस है, प्रोस्पेक्टस हो गया, प्रोस्पेक्टस का भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, वो आप चाहो तो देख सकते हो ठीक है। सो इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ग्रेट ऑफिसर में ओके। चलिए ये तो ये लॉ से रिलेटेड हो गया आपका, जैसे इनकम टैक्स बता दिया, जीएसटी बता दिया आपको, कोस्टिंग से भी क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है, कोस्टिंग जैसे कि मार्जिनल कोस्टिंग, मटेरियल, लेबर, सो ये सब टाइप का जो क्वेश्चंस रहता है, स्टैंडर्ड कोस्टिंग एंड बजटिंग, बजट एंड बजटिंग कंट्रोल एक चैप्टर्स होता है, उससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ये सब आपको कोस्टिंग से पूछा जाता है, अकाउंटिंग से पूछा जाता है, एएस इंड एएस से रिलेटेड उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो एवरी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द पोस्ट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर, एवरी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि क्रेडिट ऑफिसर का एग्जामिनेशन है तो सिर्फ आप फाइनेंस से जो रिलेटेड है सिर्फ FM एंड SFM तो पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको एवरीथिंग आपको पढ़ना पड़ता है ठीक है, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा तभी आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा हो सकता है ठीक है। क्योंकि मैं जो एमसीक्यू बनाया वो काफी एनालिसिस करके बनाया, मैं प्रीवियस ईयर का जो क्रेडिट प्रोफेसर का जो एग्जामिनेशन हुआ था तो उसका पेपर मैं देखा कि हाँ ये लोग कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसी के हिसाब से पेपर बनाया हुआ है ओके। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा ओके, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको मेरे क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहता है ओके। तो आज वीडियो यहां तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब चैनल, थैंक यू।